पुरातत्व विभाग ने पाथामाई तालाब खुदाई में जताई आपत्ति, नोटिस भेजने की कही बात। पुरातत्व विभाग के एमटीएस ने सुमेरपुर कस्बे के पाथामाई तालाब की खुदाई में आपत्ति जताते हुए नगर पंचायत को बगैर अनुमति के खुदाई कार्य कराने पर नोटिस जारी करने की बात कही है। नगर पंचायत सुमेरपुर कस्बे के ऐतिहासिक पाथामाई तालाब के सुंदरीकरण के लिए तालाब की खुदाई का कार्य करा रही है। ये तालाब व पाथामाई मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। नगर पंचायत द्वारा तालाब की खुदाई कराने की जानकारी होने पर गुरुवार को पुरातत्व विभाग महोबा मंडल कार्यालय के एमटीएस अलखराम ने मौके पर आकर तालाब खुदाई का अवलोकन करते हुए कहा कि नगर पंचायत बगैर अनुमति के खुदाई का कार्य करा रही है, ये अवैध है। इसकी रिपोर्ट तैयार करके विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। उच्च अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद नगर पंचायत को नोटिस भेज कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रवि कुमार यादव ने बताया कि पुरातत्व विभाग के आने की खबर उनको नहीं है। अगर पुरातत्व विभाग आपत्ति करेगा तो कार्य बंद करा दिया जाएगा। फिलहाल उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं मिला है। सर, आपका नाम और आपकी विभाग? मेरा नाम अलखराम, एमटीएस उपमंडल महोबा। ये भारतीय पुरातत्व के अंदर पाथामाई मंदिर है जो पुरातत्व के अंदर में है। जो यहाँ काम हो रहा है अवैध, ये पुरातत्व के परमिशन द्वारा होना चाहिए। जब तक उसकी परमिशन न मिल जाए, यहाँ किसी प्रकार का कोई खुदाई निर्माण नहीं करना चाहिए। जो मैं इसके देख रेख के आधार पर मैं इसकी नोटिस जारी करूँगा और विभाग को भेजूंगा। तो क्या ये जो हो रहा है, यहाँ से ये खुदाई हुई है, कुछ लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए हैं जी, तो इसके बारे में क्या होगा? इसके बारे में जो ये तो राज्य सरकार के अंतर्गत जो मकान वगैरह गिराए जाते हैं उनके लिए अपना वो दूसरा नियम है, जो अपना काम करेंगे, जो विभाग है वो अपना काम करेंगे, क्योंकि विभाग ही अपना ये देख रेख में है तो वही अपना समझे। ये पुरातत्व विभाग के यहाँ पर कितनी जमीन है? वैसे तो पुरातत्व का नियम ये है कि 300 मीटर का एरिया है। उसके बाद अगर कोई आदमी परमिशन लेता है पुरातत्व विभाग, ये हमारे कमिश्नर कितनी परमिशन देते हैं क्या है, उसके बारे में तो अधिकारी जानते हैं।